भाइयों और बहनों, गांव की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में आप सभी का योगदान बहुत अहम है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला बचत गुटों के रूप में आप जो काम कर रहे हैं, उससे आपका सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण तो हो ही रहा है, परिवार की स्थिति भी सुधर रही है। जब परिवार आर्थिक रूप से सशक्त होता है तो देश की ताकत अपने आप बढ़ती है। साथियों, देश के विकास में आपकी इसी भूमिका को देखते हुए बीते 5 वर्षों में इस आंदोलन को विस्तार और अधिक विस्तार देने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं के लिए उद्यमशीलता के नए अवसर बनाए जा रहे हैं। नए भारत में हम महिला कल्याण से आगे निकलकर महिलाओं की अगुवाई में राष्ट्र कल्याण की सोच लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि इस वर्ष के बजट में स्वयं सहायता समूहों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। महिला स्व सहायता समूहों के लिए ब्याज पर जो सब्सिडी मिलती थी, इसको अब पूरे देश में लागू किया जा रहा है। इसी तरह समूह की जिन सदस्यों के पास जनधन बैंक खाता है, उनको 5,000 रुपया तक के ओवरड्राफ्ट की अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। अब किसी साहूकार से ज्यादा ब्याज से पैसा नहीं लेना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर आपके खाते में एक भी पैसा जमा नहीं है, तब भी आप 5,000 रुपये अपनी जरूरत के लिए उससे निकाल सकेगी। ये एक प्रकार से आसान ऋण है, जिसकी सुविधा जनधन खाते पर आपको मिलेगी। इसी तरह मुद्रा योजना के तहत भी हर स्व सहायता समूह की एक महिला सदस्य को 1,00,000 रुपये तक का कर्ज मिलेगा। इससे आपको अपना कारोबार शुरू करने या फिर उसे बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथियों, मुद्रा योजना बहनों को उद्यमी बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। योजना के तहत अभी तक देश भर में करीब 20 करोड़ ऋण बांटे गए हैं। इनमें से लगभग 14 करोड़ ऋण हमारी बहनों और बेटियों के हाथ में गए हैं। महाराष्ट्र में भी मुद्रा योजना के 1.5 करोड़ लाभार्थियों में से 1.25 करोड़ लाभार्थी हमारी माता बहने हैं। महिला उद्यमशीलता के क्षेत्र में आ रहे इस बदलाव को हमें और तेज करना है और मजबूत करना है। इसके लिए सरकार के स्तर पर जो भी कदम उठाने होंगे, वो जरूर उठाए जाएंगे। साथियों, स्वयं सहायता समूह के रूप में आप आर्थिक सशक्तिकरण के मजबूत माध्यम तो है ही, आप सामाजिक परिवर्तन की भी अहम प्रहरी है। बेटियों का जीवन बचाने से लेकर उनकी पढ़ाई और उनके लिए सुरक्षित माहौल बनाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। यहां देवेंद्र जी की सरकार ने
इस दिशा में सराहनीय काम किया है। लेकिन सिर्फ सरकारी योजना और कानून ही काफी नहीं है, हमें बेटियों के प्रति समाज की सोच में व्यापक परिवर्तन लाने की जरूरत है। इसमें आप बहन बेटियों की भूमिका भी अहम है। हाल में आपने देखा है कि मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की कुरीति से निजात दिलाने के लिए एक कड़ा कानून बनाया गया है। अब आपको समाज के भीतर इस कानून को लेकर जागरूकता फैलानी है।